सभी को नमस्कार एंड वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट. सो वी आर इन द फोर्थ डे ऑफ दिस एफडीपी वर्कशॉप एंड दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ फोर्थ डे ऑफ द वर्कशॉप. सो द एक्सपर्ट ऑफ दिस वर्कशॉप इज डॉक्टर गोपाल दत्त. गोपाल दत्त इज इन Uttarakhand Open University. He is working in the Department of School of Vocational Studies. He has completed PhD and he is MCA and working as the assistant professor in Department of Vocational Studies. He has more than 12 years of experience and he has credited 15 research paper of national and international repute, even in SCI journal also. And he has participated in 12 national and international seminar and attended 14 workshop, and he has credited 2 patents as well as 7 courses Professor Dr. Gopal has designed, and he has given more than 20 invited lectures and 12 book chapters, more than 25 audio lectures and more than 25 video lectures. So I welcome Dr. Gopal ka main fir se swagat karta hu aur aap sabhi participant ka bhi main welcome karta hu fourth day ke pratham session mein. To now I hand over the session to Dr. Gopal. Gopal ji, please aap start kariye. थैंक यू सर. नमस्कार. मेरा स्क्रीन आपको शेयर हो रहा है, दिख रहा है स्क्रीन? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इट इज वेरी क्लियर. सो थैंक यू सो मच सर. सो लेट्स स्टार्ट. गुड मॉर्निंग टू ऑल रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स. वी आर इन द डे 4 सेशन 1. आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन. और आज का हमारा जो टाइटल है जिस पर हमें बात करनी है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. That is online office tools, transactions and cyber awareness. चूंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, हम कोशिश करेंगे कि जो मुख्य बातें हैं, जो हमारे लिए ज्यादा प्राथमिक चीजें हैं, हम उनको इंक्लूड कर पाए, उन चीजों को हम इस पर शामिल कर पाए, और जितना भी हम समय हमारे पास होगा, वी विल ट्राई टू डू आवर लेवल बेस्ट. सो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ साइबर अवेयरनेस की. बहुत ही बजवर्ड है और हम चारों तरफ साइबर के डिफरेंट एप्लीकेशन से घिरे हुए हैं, और जब हम समझते हैं कि साइबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके एप्लीकेशंस को हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन हो या इधर फिर यू नो कंप्यूटर के माध्यम से हो, सो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसके डूज और डॉन डूज को समझें और हम उसका सिर्फ बेनिफिट उठा पाएं, उससे हम अपने आप को नुकसान ना पहुंचा पाए. सो इन दैट केस साइबर अवेयरनेस इज की टू अंडरस्टैंड. तो साइबर अवेयरनेस का कोई फील्ड एक लिमिट नहीं है, इट्स लिमिटलेस. और हम समझते हैं कि हमें बहुत कुछ जानकारी इस मामले में होनी चाहिए. तो कुछ मुख्य अंश हमने इसमें शामिल किए हैं जो हम आपके साथ साझा करेंगे. इसके बाद का जो दूसरा हमारा टॉपिक है, दैट इज अबाउट डिजी लॉकर. कल हमने थोड़ा सा चर्चा किया था डिजी लॉकर क्या चीज है. इट्स ऑनलाइन डिजिटल डेटा स्टोर ऑफ जस्ट लाइक यू नो बैंक लॉकर, जहां पर आप बैंक लॉकर पर अपना सोना चांदी और मूल्यवान आप धरोहर संभाल के रखते हैं. एज सेम जहां पर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के बजाय डिजिटल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स जो है स्टोर कर सकते हैं, और जो कि कम्प्लीटली ऑथराइज्ड हैं या ऑथेंटिकेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जो डिपार्टमेंट है, नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट जो इसको देखता है. सो हमें लगता है कि डिजी लॉकर को हम दो तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर यूजिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप. इसका भी हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको दिखाएंगे. दूसरा मोबाइल बेस्ड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम करके दिखाएंगे, हम किस तरीके से डिजी लॉकर के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को हम डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि इस वर्कशॉप के बाद हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, आप सभी लोग डिजी लॉकर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे. सो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद जितना भी हमारे पास समय होता है, वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑफिस ऑनलाइन ऑफिस टूल्स, उन पर हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहला जो हमारा पार्ट है इस पर,
वो है कि साइबर अवेयरनेस पर हमें किन किन चीजों से दूर रहने की आवश्यकता है। सो एक चित्र आपको दिख रहा होगा जिसमें ये बताया जा रहा है कि बी अवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। बहुत सारे खबरें आप लोग सुनते हैं साइबर हैकिंग की और साइबर क्राइम की, तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए वो हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम में, साइबर अवेयरनेस के माध्यम से हम अपने प्रतिभागियों को साझा करने जा रहे हैं कि व्हाट हैव टू डू एंड डूज एंड डोंट डूज का स्पेशली हम बात करें इन टर्म्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कभी भी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन साझा ना करें। अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं तो ये आपको हानि दे सकता है, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज किया जा सकता है। दूसरा है कि आप उन किसी भी तरह के लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव ना करें, एक्सेप्ट ना करें जो आपके लिए अजनबी हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आप किसी किसी भी बिना किसी एहतियात के, बिना जेंडर में फर्क किए कोई भी व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने पर अपमानजनक, अभद्र या इत्यादि संदेश जो हैं जो सोशल मीडिया पर अमूमन हम देखते हैं उनको पोस्ट ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं सो कहीं कहीं आपको इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सो बी अवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स जो पहला पार्ट था हम साइबर अवेयरनेस में देखेंगे, तो हमें इन सब चीज़ों से अपने आप का बचाव रखना है। दूसरी बात आती है कि जब कभी भी आपको ऐसे कोड नंबर से कॉल आता है जिनकी शुरुआत में +92 या +344 या कुछ ऐसा है जो +91 के अलावा है, और आपको लगता है क्योंकि +91 जो है वो हमारा कंट्री कोड है और अगर इसके अलावा +91 की जगह कुछ और कोड से आपको कॉल आता है तो कहीं कहीं वो कॉल आपको जो है आपकी इंफॉर्मेशन को जो है हैक कर सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो आपका डिवाइस है वो हैंग हो जाता है और उसका रिमोट कंट्रोल किसी थर्ड पर्सन के पास चला जाता है जब आप अनजान कॉल या अनजान किसी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सो दूसरा है कभी भी कॉल बैक या फोन रिसीव होने की स्थिति में सिम क्लोन की जा सकती है और आपसे कॉल करने के बाद धोखा या लालच या इस तरह के लॉटरी इत्यादि का लालच दिया जा सकता है। तो जब कभी भी आपको फोन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे नंबर पर आप कॉल बैक ना करें जो आपके लिए अनजान नंबर्स हैं, स्पेशली तब जब उनका जो है शुरुआती नंबर +91 से अलावा कुछ हो। ये चित्र में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से बाहर से आपको विदेशों से कॉल आ सकते हैं और उनमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में आप देख रहे होंगे। जो तीसरा पार्ट है साइबर अवेयरनेस के अगले चरण में, ऑनलाइन चीटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग से हम लोग सावधान रहें। ये बहुत बड़ा चलन हम सब में जो है बढ़ गया है कि वी आर नाउ इन ऑनलाइन, और हम ये समझते हैं कि जब हम ऑनलाइन हैं तो शायद हमें कुछ भी करने की छूट है। ऐसा नहीं है। आपको मैं एक बहुत जरूरी जानकारी बताना चाहता हूँ। व्हेन वी आर विथ स्मार्टफोन इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस सो दैट इज कॉल्ड नथिंग इज प्राइवेट। सो दैट टू बी नोटेड डाउन वेरी वेल कि व्हेन एवर वी आर ऑनलाइन, व्हेन एवर वी आर कनेक्टेड विद इंटरनेट, सो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हम कभी भी कुछ भी चीज़ सिक्योर है, हम प्राइवेट हैं, हम सूचनाएं प्राइवेट हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सो जब भी आप इंटरनेट के संपर्क में, और मैं समझता हूं कि हम 24/7 इंटरनेट के संपर्क में हैं, और बहुत रेयर है कुछ लोग जो सोते समय अपना फ़ोन का इंटरनेट बंद करते हैं, और मेरी तो सारे लोगों से सलाह है कि जब भी आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप इंटरनेट का मोबाइल डेटा ऑफ रखें या अपना जो राउटर है जो आपका वाईफाई है उसको ऑफ रखें व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। सो इंटरनेट आपकी प्राइवेसी में खलल करता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। स्पेशली जो हमारे यंग एजर्स हैं, न्यू एज ग्रुप्स हैं, उनका ऑनलाइन के प्रति बहुत ज़्यादा जो है लगाव है, बहुत ज़्यादा झुकाव है, बिकॉज ऑफ देयर आर यू नो सो मैनी यू नो अट्रैक्शंस। हमें लगता है कि वो आसान है, सरल में मिल रहा है, या सस्ता मिल रहा है, या ये जो कह रहा है हम एकदम उस पर रिलाई कर लेते हैं कि हाँ व्हाट एवर इज सेम, या जो भी डिक्लेयर किया जा रहा है किसी भी एक्स वाई जेड प्लेटफॉर्म पर, या वेबसाइट हो या कोई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हो, हमें लगता है कि हाँ ये सब ठीक है। सो ये चीज़ें बहुत धोखाधड़ी हमें दे सकती हैं। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, पहली बार आप उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी के बारे में आप चेक करें कि ये वेबसाइट का जो 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 मार्केट शेयर है या जो उसकी पॉपुलरिटी है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग पे काम करती हैं और हमें लंबे समय से वो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो नाउ वी आर रिलाई
हम उन पर भरोसा करने लगे हैं। अब ऐसे बहुत सारे नए ऑनलाइन स्टोर्स आपको मिलेंगे जो किसी किसी 100 रुपीज की चीज़ को आपको 20 रुपए में भी देने को तैयार हो जाते हैं, और अमूमन हमें लगता है कि ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, शायद ऑनलाइन में सस्ता मिलता होगा, हम खरीद लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो ऐसे में कई फ्रॉड आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने सुने होंगे। आपने अभी अभी मुझे मुझे अभी करीबन हफ्ते दिन के अंदर की घटना याद आ रही है कि एक्स वाई जेड कंपनी के किसी स्टोर में जहां पर सामान पैक होता है ऑपरेशन में, कुछ लोगों ने ओरिजिनल सामान को चुरा लिया और उसकी जगह पर कुछ फ्रॉड सामान भर दिया। जैसे आपने सपोज दैट मोबाइल मंगाया तो उन्होंने मोबाइल की जगह पर कुछ कूड़ा भर दिया या एक पत्थर का टुकड़ा भर दिया, जबकि ये कंपनी का फ्रॉड नहीं था। जब बात को कंपनी को ये बात पता लगी, क्योंकि वो रेपुटेटेड ऑनलाइन फर्म है, ऑनलाइन शॉपिंग फर्म है, तो उसने उन पर कार्रवाई की, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की, उन पर केस दर्ज किया। सो कहने का मीनिंग यह है कि हम हर बार अवेयर रहेंगे तो शायद हम बच पाएंगे। सो स्पेशली जो सबसे ज्यादा फ्रॉड आजकल के समय में है, उसका एक सशक्त माध्यम ऑनलाइन शॉपिंग भी है। हम लोग ऐसी ऐसी वेब पोर्टल्स पर अपने पर्सनल बैंक से रिलेटेड डिटेल्स शेयर करते हैं जिन पर शायद हमें खुद भी नहीं पता कि इसकी जो मार्केट रेपुटेशन है वो कैसा है। सो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। तीसरा है कि आपको अवेयरनेस का जो अगला पार्ट है, आपको कई सारे जो है ऐसे लॉटरी या से रिलेटेड ईमेल या लिंक या कॉल या एसएमएस मिल सकते हैं जिनमें आपको लगता है कि हाँ ये किसी ऑथराइज्ड जो है एंटिटी ने हमें भेजा हुआ है, और आप उस पर भरोसा करके उस पर क्लिक करते हैं। ऐसा हमारे साथियों के साथ भी कई बार हुआ है कि आपको कोई फ़ोन कॉल आता है कि आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, हम आपकी सिम की केवाईसी कर रहे हैं, हम बीएसएनएल से बोल रहे हैं, हम एक्स वाई जेड टेलीकॉम से बोल रहे हैं, या हम किसी बैंक से बोल रहे हैं। सो ये जो चित्र है जो आपके सामने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, ये बताना चाह रहा है कि हम ऐसे किसी भी तरह के ईमेल से या एसएमएस से या लिंक से या कॉल से जो भी आपको आ रही हैं, जो आपको इंस्टेंट लाभ दिलाने की बात करते हैं, हम कभी भी उन पर भरोसा ना करें। चाहे वो आपको कितना ही अपने जो है बातों में उलझाएं, अपने बातों में जो है फंसाने की कोशिश करें। आप अगर आप आजकल देख रहे होंगे तो आजकल बहुत सारे, मेरे पास तो इमीडिएट मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका जैकपॉट लग गया है, कौन बनेगा करोड़पति में। तो मैं कभी भी उस मेल को ओपन करता ही नहीं हूँ, और मुझे लगता है आप सब लोगों के पास भी ऐसे ईमेल जरूर आ रहे होंगे। सो ये कौन बनेगा करोड़पति का ईमेल नहीं है, बल्कि ये कौन बनेगा रोडपति है, क्योंकि अगर आप एक बार उसकी बात पर भरोसा करेंगे तो फिर आपके पास जो भी है वो सब चले जाएगा, और मुझे लगता है कि हम फिर रोडपति होने लग जाएंगे। तो हमें इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है कि कोई हमसे हमारी प्राइवेट जानकारी मांगेगा और आपको ये विश्वास में लेगा कि ना हम उसी ऑथराइज्ड एंटिटी से बोल रहे हैं या हम बैंक से बोल रहे हैं। मेरे संज्ञान में ऐसे बहुत सारे मामले आए जहां पर लोगों को LIC के नाम से कॉल आते हैं, या लोगों को पोस्ट ऑफिस के नाम से कॉल आते हैं, या लोगों को स्टेट बैंक के नाम से कॉल आते हैं। वो अपने आप को स्टेट बैंक का मैनेजर या कोई और ऑथराइज्ड पर्सन बता करके आपकी डिटेल्स को जो है हैक कर लेते हैं और आपसे तमाम सारी चीज़ें, इवन कई लोगों ने तो आपसे OTP भी जो है मंगवा लिए हैं। सो ये सब चीज़ें हमें बचने हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ साइबर अवेयरनेस। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी संस्थान आपको कभी भी कॉल नहीं करता कि आप अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हमें बताइए। आपका अगर सिम बंद होने वाला है, सिम बंद हो जाएगा। आपका अगर कोई बैंक का अकाउंट अगर फ्रीज होना है, उस पर काम आप नहीं कर रहे हैं, उस पर ट्रांजेक्शन आपके नहीं हो रहे, बंद हो जाएगा। सो लेकिन वो आपको कॉल करके नहीं बुलाएंगे। सो ये हमें बहुत मतलब ज़रूरी ये समझने की आवश्यकता है कि हम किन चीज़ों पर ध्यान दें और किन चीज़ों पर ध्यान ना दें। इसके अलावा जो दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से बहुत धोखाधड़ी होती है, तमाम सारी चीज़ें हैं, इन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। डू नॉट शेयर बैंक अकाउंट क्रेडिट डिटेल्स क्रेडिट कार्ड डिटेल्स थ्रू ईमेल और फ़ोन। कभी भी आप ईमेल और फ़ोन के माध्यम से, इवन व्हाट्सएप के माध्यम से अपने खाते की डिटेल एक दूसरे को साझा ना करें। सो कभी भी आपकी ये जो डिटेल्स हैं ये थर्ड पार्टी को शेयर हो सकते हैं, जो इसका मिसयूज कर सकते हैं, इससे जो है लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, कभी भी आप जो है अनजान लोगों को, स्ट्रेंजर्स को अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल ना दें।
चाहे मैंने कई बार देखा है कि आप लोग बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं जिनको ये हैंडल करना नहीं आता लेकिन उनके पास क्रेडिट कार्ड है, कभी तो अपने बच्चों के साथ जाकर के एटीएम मशीन में या समवेयर जाते हैं। और कभी क्या होता है कि हमारे एक संज्ञान में हमारे कोई परिचित हैं, उनके साथ क्या हुआ, वो एटीएम मशीन में गए और वो वहाँ पर कोई सज्जन खड़े थे और उनके सामने उनने कहा जरा मेरे पैसे निकाल दो, मुझसे नहीं निकल रहा है। तो उसने ट्राई किया, नहीं निकला, बहुत देर लगे रहे और फिर बाहर से लाइन थी तो वो बाहर आ गए। तो उनने उसको अपना जो है कोड नंबर भी बताया, एटीएम का कोड नंबर बताया। उसके बाद से जब बाहर आ गए तो उसके दिमाग में जो है खुरापात आई, तो उसने फिर से कहा अंकल जी लाइए, एक बार फिर ट्राई करते हैं, आप बैठो मैं देख के आता हूँ अगर निकलता है तो। उसने क्या करा, वहां से फिर से अंदर गया, उसमें से कुछ पैसे निकाले और अंदर ही पैसे निकले क्योंकि उसको एटीएम का नंबर तो बता ही दिया था उन्होंने पहले। तो भरोसा भी हमें कितना हानि पहुंचा सकता है, आप ऐसे भरोसा किसी पर ना करें। तो उसने क्या करा, जैसे 10,000 रुपये निकाले, उसमें से जो है 8,000 अपने जेब में रख के 2,000 रुपये दिए, बोले 2,000 निकल पाए, शायद पैसे खत्म हो गए हैं। उनको एटीएम कार्ड भी थमाया और 2,000 रुपये भी दिए, वो चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा मैंने पैसे निकाल लिए तो मैं एक बार जो है एटीएम से बैंक से अपने पासबुक में एंट्री करा लाता। तो जब वो बैंक में गए उन्हें एंट्री करी तो उन्हें पता लगा कि उनके खाते से अभी अभी है उससे 10,000 रुपये निकले। सो ये कैसी सिली मिस्टेक्स हैं। सो एग्जाम्पल कहने का आशा इस बात से है कि कितने हमें जागरूक होने की, कितना अवेयर होने की जरूरत है व्हेन वी आर कनेक्टेड विद टेलीफोन्स, वी आर कनेक्टेड विद इंटरनेट, वी आर कनेक्टेड विद स्मार्टफोन्स, वी आर कनेक्टेड विद डेबिट और क्रेडिट कार्ड और एनी अदर काइंड ऑफ स्मार्ट कैशलेस यू नो ट्रांजेक्शंस। तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि हम इन सब चीजों को छोड़ दें, हम छोड़ नहीं सकते, इनके एडवांटेजेस भी हैं, बट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू बिकम मोर अवेयर। सो आगे बढ़ते हैं, लोन से रिलेटेड बहुत फ्रॉड्स आजकल समझ में आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। सो लोन से धोखाधड़ी कैसे हो सकती है, नेवर बिलीव द फेक सर्टिफिकेट्स फ्रॉम इंडिविजुअल। जो ऐसे लोग आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, हम लोन लोनिंग एजेंसी हैं, आपको हम लोन देंगे, आपका हम लोन सेंक्शन करा देंगे, आपका लोन सेंक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। जनरली जो लोग ऋण लेते हैं, जो लोग लोन लेते हैं, सो ऑथराइज्ड संस्थानों से लोन लेना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा जो जो मेंटेलिटी है, हमें ये लगता है कि हाँ जहाँ आसानी से काम हो जाए वहाँ जाना चाहिए। सो हमारी हमारी साइकोलॉजी से भी जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो बड़ा खेलते हैं, बहुत प्लान से हमारे साइकोलॉजी के साथ गेम खेलते हैं। सो हमें उस सब से बचना है। तो मुझे मुझे सपोज कोई फोन आता है, बोला आपको लोन चाहिए हो रहा है, क्योंकि मैंने लोन के लिए बाय द वे मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, हो सकता है मेरा वहां से सर्च क्वेरी उन्होंने चीट कर लिया, या मैंने लोन के लिए किसी बैंक या किसी संस्थान पे गया तो हो सकता है वहां से किसी ने उसको जो है रिसीव कर लिया, कोई डेटा उनके पास मिल गया। सो ऐसे तमाम सारे माध्यम हो सकते हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जानकारियां लीक हो सकती हैं। अभी मैं लेटेस्ट घटना, अभी करीबन करीबन 1.5 से 2 महीने पुरानी बात है, आई थिंक सो आप लोगों ने भी ये बात जरूर सुनी होगी। यू नो एक सज्जन ने किसी देहरादून में किसी बैंक की शाखा से, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसको पता है ठीक है, अभी भी 1 घंटे पुरानी करीबन बात है, देहरादून की किसी शाखा में फोन किया देहरादून में किसी बैंक शाखा को फोन किया, बोला मेरा जो है ये डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत है, आप मुझे हेल्प कीजिए। उन्होंने बैंक कर्मचारी ने किसी थर्ड पर्सन का जो है फोन नंबर उनको दे दिया। सो बेसिकली जो थर्ड पर्सन था, दैट वाज काइंड ऑफ फ्रॉड, साइबर क्रिमिनल था वो, साइबर फ्रॉड करने का काम करता था। तो उस सज्जन ने जिसने बैंक को फोन किया था, क्योंकि बैंक के ऑफिसर ने उनको नंबर दिया तो उसको उस पर विश्वास भी हुआ कि हाँ ठीक है, उसने वो नंबर पे कॉल मिलाया और जैसा जैसा वो कहता रहा वैसा वैसा करते रहे। तो उसके करीबन करीबन 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट से जो है चोरी हो गए। सो जो पर्सन था, जो विक्टिम था, उसके बाद वो बैंक गया, उसने कहा साहब आपने ही नंबर दिया था और ये ऐसा ऐसा है, जाके फिर इसका व्हाट एवर इन्वेस्टिगेट हुआ। तो अभी करीबन 1 महीने अब के आसपास की बात है, तो उस अधिकारी को जिसने ये काम किया था, जिसने फोन नंबर दिया था उस बैंक फ्रॉडर का, तो उसको जेल हुआ है, उसको उसके ऊपर केस दर्ज हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स वेयर वी हैव टू बी यू नो अवेयर, हमें इन सब चीजों के बारे में जानकार होना है जहां पर इस तरह की स्थितियां बनती हैं। सो लोन से भी हमारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है। कई बार लोगों को लगता है लोन तो हम पैसा ले रहे हैं, हमें कैसे धोखाधड़ी होगी, नो नो दैट इज नॉट द इश्यू। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तो उनके हाथ में दे रहे हैं ना, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी के पास पहुंच सकती है, सो दैट इज पॉसिबल।
सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि हम जो अलग तरह का जो एक नया तरह का फ्रॉड है, हम फेक कंपनीज के प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं, आइदर वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या फिर वो और किसी तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो जब हम ऐसे फेक कंपनीज के प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं तो यकीन मानिए कि हमें हमारा डूबना तय है। सो कई सारे जो है फेक कंपनीज हैं जिनके बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है बेची जाते हैं। मेरे पास ऐसी तमाम सारी घटनाएं मेरे रिकॉर्ड में दर्ज हैं जहां पर लोग आए, उन्होंने कहा हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो सेविंग प्रोडक्ट्स हों, स्मॉल सेविंग प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो FD के प्रोडक्ट हों, 5-5 साल के, व्हाटएवर आप जिस भी तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें पता चला कि वो फ्रॉड कंपनी थी, उन्हें लोगों से पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद से वो गायब हो गए। आपने ऐसे तमाम सारे न्यूज आसपास में सुने होंगे और अभी भी चल रहा है। और क्यों चल रहा है मैं बताता हूँ, उसका कारण ये है कि हम जागरूक नहीं है, हम अवेयर नहीं है, इसलिए लोग हमें ठगे जा रहे हैं। आप लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तमाम सारी चीजें हैं, और उसके बाद आपका जो मेहनत का पैसा है, जो आपका धन है, वो ऐसी फेक कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशंस पर आप सेव कर देते हैं बिकॉज ऑफ कारण क्या है वहां जमा करने का, लालच, ज्यादा लाभ। बहुत सारी जो ऐसी जाली कंपनियां हैं, फ्रॉड कंपनीज हैं, वो आपको इंटरेस्ट का लाभ ज्यादा देने की बात करती हैं, लालच देती हैं कि हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। सो ये सब चीजें क्या है, और इसमें एक मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ वो लोग नहीं डूबते जो अनजान हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं या जो शहरी लोग नहीं हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा जहां पर आपको सुन के हैरानी होगी, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पब्लिक मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में ये सब खबरें आई हुई हैं। सो उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम हैं, सेलिब्रिटीज के नाम हैं, जिनके जो बहुत सारा पैसा है ऐसे फेक कंपनीज पे डूब चुका है। सो बी अवेयर अबाउट विद द फेक कंपनीज, देयर ईमेल आईडीज, देयर SMS, देयर फोन कॉल्स, देयर फिजिकल एड्रेसेस। कई सारी कंपनीज के फेक फिजिकल एड्रेस हैं, सपोज XYZ बिल्डिंग का एड्रेस दे दिया, कौन चेक करने जा रहा है हम में से, हमने तो भरोसा कर लिया, हाँ ठीक है ये तो बिल्डिंग है ही वहाँ पर। ऐसे हुआ है हमारे शहर में, हल्द्वानी में भी ऐसे तमाम सारे हमें वाक्य सुनने को मिले। उन्होंने कहा साहब उस मार्केट का एड्रेस दिया था, उस पे तो ये वाली दुकान नंबर है ही नहीं जहाँ पर हमें दिया था, वो चले गए कब से ठगने के बाद से। सो दीज आर द थिंग्स नीड टू अवेयर अबाउट द साइबर अवेयरनेस। आगे बढ़ते हैं, ईमेल जो है वो सिर्फ लोन के लिए या फिर जाली कंपनीज के नहीं मिलते, वो आपको अच्छी नौकरी के लिए भी मिल सकते हैं। सो जॉब ऑफर्स भी आपको ईमेल के थ्रू जो है मिल सकते हैं, और आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं उस पर मांगेंगे और वो आपसे ये वादा करेंगे कि हम आपको जॉब दिला रहे हैं, इसके एवज में हम कुछ कमीशन लेंगे, तो आप हमें ट्रांजेक्शन कर दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। तो जो ही आप उनको ट्रांजेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बैंक डिटेल्स या आपके कार्ड की डिटेल्स उनके पास चले जाएँ और वो जो है आपसे जो है पैसा लेते रहें या आपके अकाउंट जो है खाली कर लें। सो जॉब ऑफर्स भी आपको कहाँ से आ रहे हैं, नीड टू चेक इट, आप उसको समझें, देखें उन ईमेल्स को, अंडरस्टैंड करें कि कहीं ये फेक ईमेल तो नहीं आ रहा हमारे पास। सो ऐसे तमाम सारे ईमेल्स लोगों को पहुँचते हैं अच्छे जो है नौकरी के लिए आपसे जो है कहा जाता है या ज़्यादा पैसे वाली नौकरी को आपको ऑफर किया जाता है, और ऐसा उसके बदले में आपको लगता है कि हाँ ये तो बहुत इजीली हमें हैंडल हो सकता है, तो आप कई सारी उनकी बातें मानने को भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि ये चीज़ें तो ऐसी स्थिति में हमें समझ हमें बढ़ानी होगी कि हम ऐसी चीज़ों से बचें। अगर हम ये सब करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं हमें खतरा है इससे। सो आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स कितने तरीके के हो सकते हैं, कुछ हमने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करी है जिन पर हमें अपने आप को सेफ रखने की आवश्यकता है। पहला है ईमेल स्कैम। क्या हो सकता है, आपको कोई बैंक से आपको लगता है कि कोई आपको ईमेल आ रहा है या कोई कॉल कर रहा है, जबकि ये सच नहीं है, बैंक आपको आपकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कॉल कभी नहीं करेगा। दूसरा और क्या हो सकता है, नेवर बिलीव इन फेक कूपन्स ईमेल दैट मे आस्क यू टू एंटर पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कई बार आपको ये लगता है कि आपको कोई कूपन मिला हुआ है और आप इसको अगर कैश करना चाह रहे हैं, इसको रिडीम करना चाह रहे हैं, तो अपनी यहाँ पर डिटेल दीजिए, हम आपके अकाउंट पे पैसा डाल देंगे। नो दैट
दैट इज काइंड ऑफ यू नो ऑनलाइन स्कैम, ये आपको फेक हो सकता है. डोंट क्लिक ऑन द लिंक्स दैट यू रिसीव थ्रू ईमेल. बहुत सारे ऐसे लिंक्स आते हैं, पता नहीं कौन कौन से, दैट इज कॉल्ड स्पैम मेल्स. तमाम सारे लोग स्पैम मेल भेजते हैं. सो आप मान के चलिए कि इसमें जितने भी स्पैम मेल, अनवांटेड ईमेल्स आपके पास आ रहे हैं, ये सब के सब कहीं कहीं फेक हैं, कहीं कहीं आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपकी आपका डेटा मिसयूज हो सकता है. ऑलवेज चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेबसाइट बिफोर प्लेसिंग एनी ऑर्डर. किसी भी वेबसाइट पर, चाहे वो किसी भी तरह का ऑनलाइन शॉपिंग हो, लोग आजकल ऑनलाइन में बहुत यू नो भरोसा करते हैं. उसका कारण है कि यू हैव नंबर ऑफ वेराइटीज, उसका एक फायदा भी है. बट वी हैव टू बिकम अवेयर. मैं बुराई नहीं कर रहा ऑनलाइन की, ऑनलाइन हमें बहुत सारे बिजनेस देता है, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स देता है. वी आर हाईली डिपेंड ऑन ऑनलाइन, बट एज वेल एज जितना हम ऑनलाइन पर भरोसा कर रहे हैं, उतना ही हमें एक्टिव होने की जरूरत है, उतना ही हमें अवेयर होने की जरूरत है, उतना ही हमें जानकार होने की जरूरत है. हम ऑनलाइन पे भरोसा तो करना सीख गए, क्योंकि चारों तरफ हम घिरे हुए हैं, इसके अलावा हमारे कोई ऑप्शन नहीं है. बट वी आर अनेबल टू लर्न, हम सीख नहीं रहे हैं, हम जागरूक नहीं हो रहे हैं. वी आर नॉट अवेयर विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रॉड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यू नो स्कैम्स ऑनलाइन क्या क्या घटित होता है. सो इन सब चीजों, जैसे जैसे हमारे ऑनलाइन जरूरत की चीजें हैं, उससे भी ज्यादा जरूरत की चीज हमें ऑनलाइन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए. आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है इस तरह के फेक चीजों पर. आपको पता तो लग रहा कि बैंक से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा. मैंने कह दिया मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका खाता बंद कर दूंगा. आपको कैसे पता लगा मैं बैंक से बोल रहा हूँ? आपने सिर्फ मेरे कहने पर भरोसा किया ना, वाई मत कीजिए. सो ऐसे तमाम साहब बी अवेयर ऑफ स्पूफ्ड इंटरव्यूज. कई सारे ऐसे फेक इंटरव्यूज कहेंगे कि हाँ आप इंटरव्यू पास हो गए. और मजे की बात है कि बहुत सारे जो है ईमेल आपको डांस ऑडिशन के लिए आते हैं. देखिए, जैसे जैसे हमारा सोशल ट्रेंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जैसे जैसे हमारे हैबिट्स चेंज हो रही हैं, जैसे जैसे हमारे यू नो सोशल सर्कल में बदलाव आ रहे हैं, वैसे वैसे ही ऑनलाइन स्कैम के तरीके रचे जाते हैं. सो इन सब से हम कब बच पाएंगे? जब हम जानकार होंगे. भैया, फिल्म इंडस्ट्री में किसको मौका नहीं चाहिए, किसको सेलिब्रिटी नहीं होना, कौन चाहता है, कौन फेमस नहीं होना चाहता है? जेके कृष्णमूर्ति साहब की एक बड़ी फेमस किताब है, उसमें एक चैप्टर लिखा हुआ है, उसमें उसका टाइटल कुछ इस तरीके से लिखा है कि कौन फेमस नहीं होना चाहता है. हर कोई फेमस होना चाहता है. तो इसका एक बहुत, कई सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत गहराई से उसमें वो एक लंबा लेख लिखते हैं कि आखिर हम फेमस क्यों होना चाहते हैं. क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं, हमने दुनिया में यही देखा है कि जब भी कोई आदमी दुनिया में आता है, हम उसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं, उसका डेटाबेस शून्य होता है. यहाँ आकर के उस पर डेटा स्टोर होता है. बिकॉज वी आर लर्निंग मशीन. लर्निंग मशीन की खासियत यह है कि वो एक्सपीरियंस से गेन करता है और उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करता है जब जरूरत पड़ती है. तो कृष्णमूर्ति साहब ये कहते हैं कि हम फेमस क्यों होना चाहते हैं, इसका जवाब दे रहे हैं. वो ये कहते हैं कि फेमस इसलिए होना चाहते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हम जिन भी लोगों से सराउंडेड हैं, हर कोई आदमी फेमस होना चाहता है. तो हमें भी सेलिब्रिटी बनना है. क्यों बनना है? क्योंकि हमारे अगल बगल हमारे नेबर्स को भी सेलिब्रिटी बनना है, उनको भी फेमस होना है. तो इस फेमस होने के कारण फायदा किसको हो रहा है? साइबर जो ठग है उनको. वो आपको कहेंगे भैया हम आपको जो है यहाँ पर डांस ऑडिशन में बुला रहे हैं, या सिंगिंग कॉम्पिटिशन में बुला रहे हैं मुंबई में, या कौन बनेगा करोड़पति में बुला रहे, कौन बनेगा करोड़पति की चेयर में पहुंचने का बला, अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का मतलब आप भी अमिताभ बच्चन से एक सीढ़ी नीचे पहुंच गए रातों रात. सो ये ऑनलाइन स्कैम जो है हमें समझने की जरूरत है. लॉटरी का बहुत सारा जो है ऑफर आता है, अभी भी आता है, कई सालों को हो सकता है आजकल में भी आया होगा. सो ये सब चीजें ऑनलाइन स्कैम है, हमें इससे बचना है, हमें इसको समझना है, तभी हम समझेंगे कि हम साइबर अवेयर हैं. ये एक जो है स्लाइड आपके सामने है, हाउ टू अवॉइड सोशल इंजीनियरिंग. सो सोशल इंजीनियरिंग को हम कैसे यू नो अटैक्स को हम कैसे जो है दूर करें, उनसे हम कैसे बच सकें, तो ये हमारी समझ का परिचायक है. अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं जो यू नो इंटरनेट एथिक्स के अकॉर्डिंग है, इंटरनेट एथिक्स में शामिल है, तो मुझे लगता है कि हम बच पाएंगे. हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम अनजान लोगों को रिप्लाई ना करें, ईमेल रिप्लाई ना करें, उनकी लिंक को ओपन ना करें, हम किसी भी ऐसी वेबसाइट को ओपन ना करें जिस पे हमें वो सारा सामान फ्री में मिल रहा है जो कभी कहीं फ्री में नहीं मिल सकता. हमें बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज
आते हैं, ऐसे बातचीत होती है हमारी जो सर्कल में है, वो लोग भी हमें बताते हैं, हमारे विद्यार्थी भी हमें बताते हैं कि सर हमने ये वाली वेबसाइट खोली तब से मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है और वहां से मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। सो देयर आर टू मेनी सॉफ्टवेयर, सम आर पेड एंड सम आर फ्रीली अवेलेबल। जो फ्रीली है अवेलेबल है उनको हम जनरली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। यू नॉट नीड टू पे एनी सिंगल कॉइन फॉर यूजिंग द सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, बट जो पेड है अगर उनको कोई वेबसाइट आपको फ्री में डाउनलोड करने को दे रही है तो उसके साथ साथ आपके सिस्टम पर कुछ वायरस भी डाउनलोड हो रहे हैं, और जिस वायरस, क्योंकि आज तो सिस्टम सारे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, सो हो सकता है वो वायरस आपके सिस्टम पर डाउनलोड होकर के आपका सिस्टम का कनेक्टिविटी किसी थर्ड पार्टी के पास पहुँचा दे और पूरा का पूरा सिस्टम का जो डेटा है वो कोई तीसरा पार्टी वहाँ से चोरी कर लेगा, ऐसा बहुत बार होता है। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, ये बहुत इसके टाइप्स हैं, हम बहुत डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग अटैक से भी हमें बचने की आवश्यकता है। अब बात आते हैं कि इंटरनेट एथिक्स पर। इस पर मुझे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, और आप सब लोग समझदार हैं, यू नो आप वेल रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं और टीचर्स हैं, तमाम सारे संस्थानों में आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि हम इतना जानकार, इतने प्रबुद्ध तरह के विद्वान होने के बाद भी, और मैं क्या क्या कहूँ आपकी तारीफ में, मेरे पास शब्द नहीं है, उसके बाद भी हम इंटरनेट पर इतना भद्दा व्यवहार करते हैं। और मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं, और मैं टू बी वेरी फ्रेंक, मैंने कई सारे दोस्तों को अनफ्रेंड कर दिया बिकॉज ऑफ देयर सोशल मीडिया एथिक्स, देयर इंटरनेट एथिक्स। मैंने नंबर ऑफ लोगों को जो है बाहर कर दिया अपने फ्रेंड लिस्ट से बिकॉज ऑफ देयर इंटरनेट एथिक्स। तो हमें एथिकल होना चाहिए, वी शुड हैव वैल्यूज। हम कुछ भी, फेसबुक का मेरा एक अकाउंट है, हम उसमें कुछ भी लिख दें, दैट इज नॉट द वे। ये जो आप करते हैं ये दूसरे को कम हानि पहुंचाता है, आपके अपने प्रोफाइल को, आपके वैल्यूज को, आपके कल्चर को, आपके यू नो फैमिली वैल्यूज को ज्यादा प्रेजेंट करता है। तो इस पे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा कहना बहुत समझना। जवाब शालीन शब्दों में भी दिया जा सकता है, मुझे लगता है उसका असर ज्यादा होता है। सो इस चित्र के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन हैं, आपको अपनी पहचान छुपाने की आजादी है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी वहां पर कह दें, आप कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं है। बिकॉज इंटरनेट का एक बड़ा लूप होल यह है कि हम अपनी पहचान छुपा सकते हैं, और छुपाते हैं लोग, किसी तीसरे पर्सन के नाम से किसी का सोशल मीडिया अकाउंट चल रहा है, या किसी थर्ड पर्सन के नाम से आप किसी को ईमेल भेज दे रहे हैं, ऐसे हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन उसका क्या फायदा है? सो जब हम इंटरनेट, हमें भी तो उससे बुरा लगता है अगर कोई आपके लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल करे, सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आपके कमेंट्स, खराब कमेंट्स लिखे, तो उसका जितना जो जो हानि है, जो जो उसका निगेटिव एस्पेक्ट्स है, वो जो आपको जाता है उसकी भरपाई थोड़ी होती है, वो तो एक बार स्प्रेड हो गया। तो हम ऐसा कल्चर क्यों चाह रहे हैं? तो हम भी तो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, वी आर पार्टिसिपेटिंग ऑन द सेम। मैं कई कई बार देख रहा हूँ रिव्यूज हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी देखते होंगे रिव्यूज, तो कुछ रिव्यूज ऐसे हैं जो आप पढ़ सकते हैं, वो अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ रिव्यूज ऐसे हैं यू कांट, आपको रीड नहीं कर सकते, उनकी भाषा शैली इतनी अभद्र होती है। ये बहुत सारे ये ट्रेंडिंग है, तो ये कौन कर रहा है? ये मशीन नहीं कर रही है, वी एंड यू, हम और आप कर रहे हैं। ये किसका बनाया हुआ इंटरनेट, ये किसके लिए है इंटरनेट, ये जो वेब का जो संसार है, द वर्ल्ड ऑफ वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, हूज योर्स और माइन, मेरा और आपका ही तो है। सो ये अगर हम समझ पाए कि एथिक्स आर एथिक्स, नीड टू फॉलो देम। सो इंटरनेट में भी क्या क्या एथिक्स हैं जो जो महत्वपूर्ण हैं, वो ये हैं कि हमें पहचान नहीं छुपानी चाहिए, ये एथिक्स है, आप जो है उसी से बात करें, हमें किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, आप किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है, लेकिन विरोध की एक सीमा होनी चाहिए कि आप किस सीमा तक विरोध कर रहे हैं। तीसरा, आप इंटरनेट पर फेक यू नो जो थिंग्स हैं, जो लिटरेचर है, वो शेयर ना करें, किसी दूसरे के नाम से इस्तेमाल किया हुआ यू नो जो मटेरियल है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आइदर टेक्स्ट फॉर्म में हो, आइदर इमेज के फॉर्म में हो, वीडियोस के फॉर्म, उसको अपने नाम से इस्तेमाल ना करें। ये कुछ दो चार चीज़ें हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब आप ईमेल कर रहे हैं किसी के साथ, उस पर आपके वर्ड्स, उस पर लिखी जा रही बात जो आप कह रहे हैं, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए,
किसी किसी यू नो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन की बात मैं कर रहा हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट आप करते हैं, वो बात जो कह रहे हैं, दैट शुड बी लॉजिकली यू नो फैक्ट्स और यू नो फिगर्स जो उसके आप दे रहे हैं, ये प्रूवन होने चाहिए कि आपने कोई बहुत सारा बाढ़ आ गया इसका बहुत सारा, और मेजोरिटी ऑफ लोगों को ये इंस्पायर करते थे, झूठ बात लोगों को इंस्पायर कर देती है, कौन फैला रहा है झूठ, मैं और आप। सो ये बहुत सारे एथिक्स हैं साइबर अवेयरनेस के साथ साथ इस चीज को समझना, और एक सबसे महत्वपूर्ण कि आपको खुद ये तय करना है जो, बिकॉज वी आर द इंटरनेट यूजर्स, हम साइबर से जो सामान ले रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्या वो सच है, ये भी आप ही को चेक करना है, क्योंकि हमारे जो हम लोग हैं, जो हमारा वर्ल्ड ऑफ वेब है, उसमें इतना फेक सामान लोग पहुंचा रहे हैं, इतना फेक कंटेंट लोग शेयर कर रहे हैं, तो अब एक नई समस्या खड़ी हो जाती है कि इसमें से सही वाला सामान कौन सा है, सही वाली सूचना कौन सी है, गलत वाली सूचना कौन सी है। तो मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, स्टूडेंट्स को देखता हूँ, अपने घर में बच्चों को देखता हूँ, वो उनसे कहा कि टीचर ने ये वाला तुम इंटरनेट से ढूंढ के ले आना, ठीक है चलो, अब वो ये जानकार तो है ना कि इंटरनेट से ढूंढ के ले आना, तो मैं कैसे तय करूँ कि ये जो हमने शेयर किया जो जो टेक्स्ट है या व्हाटएवर जो कंटेंट है वो ठीक कौन सा वाला है, गलत कौन सा वाला है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो ये कुछ बातें हैं इंटरनेट एथिक्स की, ये बहुत बड़ा विषय है, मुझे लगता नहीं कि मैं सक्षम हूँ इंटरनेट एथिक्स पर बहुत ज़्यादा बात करने की, जो मुख्य अंश थे आई हैव ट्राई टू शेयर विथ यू, एंड आई थिंक यू ऑल आर रेस्पेक्टेड यू नो डिग्निटीज हैं, और आपको इस बात का अंदाजा है कि हमारा इंटेंट क्या था इंटरनेट एथिक्स के पीछे, आई थिंक सो। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक हमारा सेशन पूरा हुआ, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ डिस्कशन आप चाह रहे हो, कुछ बातचीत करना चाह रहे हो, आपका स्वागत है, और चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है ये ठीक है और हम आगे बढ़ें, तो अगर आपको सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो कोई अगला जो विषय है वो है डिजी लॉकर्स का। सो बेसिकली डिजी लॉकर क्या है, हमने कल की स्लाइड में भी जो हमने कल लेक्चर लिया था बहुत संक्षिप्त रूप से आपको बताया था कि डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेस है जैसे बैंक लॉकर्स आप लोग यूज करते हैं, सिमिलरली ऐसी डिजी लॉकर भी है। तो डिजी लॉकर आपको ये सुविधा देता है कि जो भी आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके पास यू नो अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हों, या आपके पास अपने फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स हों, आपके इंश्योरेंस के पेपर्स हों, या आपके आपके घर के अपने कागज हों, आपकी रजिस्ट्री हो, या आपका आधार कार्ड हो, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आपका अपने व्हीकल का इंश्योरेंस लेटर हो, ये तमाम तरह के जो लेटर हमारे पास आज तक फिजिकल फॉर्म में हैं, उन लेटर्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को हम डिजिटल फॉर्म में स्टोर करें, और हर जगह पर उस उन तरह के डिजिटल लेटर्स को, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को हर संस्थान जो है वैल्यू दे, मीन्स उनको अनऑथराइज्ड घोषित ना करें, उनको उनकी वैल्यू फिजिकल डॉक्यूमेंट के बराबर ही हो। दैट इज द प्लेस वेयर वी कैन स्टोर, डिजी लॉकर इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर आर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इन डिजिटल फॉर्म। इसका क्या फायदा है, इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट कई बार जो है मिसप्लेस हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो हमें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरा, मैं हूं कहीं जबकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, बाय द वे मैं दिल्ली गया और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस घर ही रह गया, भूल गया, तो अगर मुझे किसी ट्रैफिक पुलिस ने कहीं पर चेक कर लिया तो मैं क्या दिखाऊंगा, मैं कैसे कहूंगा कि हाँ नहीं मेरे पास है, वो घर में है, क्या वो ऐसा कहने से मान जाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, वो एक अच्छा खासा मोटा चालान वसूलेंगे, और मुझे लगता है कि जो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट आया है शायद उसमें 5,000 या 10,000 का समथिंग कुछ चालान है अगर आप बिना यू नो ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं। सो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि हम डिजी लॉकर का कैसे लाभ ले सकते हैं। सो मैं ये चाहूंगा कि कितने लोगों के पास डिजी लॉकर है, जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं, कितने लोग डिजी लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, यस और नो, वाई फॉर यस एंड फॉर नो,
आप डिजी लॉकर, क्या आप डिजी लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में हैं? क्या आपने डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाया है? आइदर यस और नो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इफ यू आर लिसनिंग। अगर आइडेंटिटी थेफ्ट है, हो सकता है, पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ मी देर आर 38% यू नो लिसनिंग आर जॉइंड विद अस। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग उसमें यस वाई लिखते हैं, कितने लोग नो लिखते हैं कि आपके पास है या नहीं। यस, किसी का रिस्पॉन्स आया, नहीं है, आप इतना भी मत लिखिए, सिर्फ नो लिखिए, एन लिखिए, आपको कम से कम समय लगेगा। आई विल चेक, नो नहीं है, नो, आप सिर्फ एन लिखेंगे तो मुझे पता लग जाएगा। विजय बेलवाल जी के पास भी नहीं है। सो जितने लोगों के पास नहीं, अनिल जी के पास भी नहीं है। अच्छा, अनिल जी के पास है, यस लिखा है इन्होंने, गुड। सो अनिल जी, हम आपसे पूछते हैं अभी कि यस है तो उसमें आप कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। मनीषा जी के पास भी है, वेरी नाइस। तो क्या आप उसको यूज कर रहे हैं? हम उसका यूज भी करेंगे, अब सीखेंगे, जिसके पास नहीं है। सो आपकी लिस्ट, लंबी लिस्ट मेरे पास आ रही है, आने वाली है। यस, और लोगों के भी मैसेज लगातार आ रहे हैं। सो हम चेक करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसके पास नहीं है, हम अभी देखेंगे उसको कैसे बनाते हैं, और जिनके पास है दैट इज वेरी गुड। और लोगों के भी रिस्पांस हमें आने चाहिए, कुछ ही लोगों के रिस्पांस आए हैं, इसका मतलब है इतने लोग एक्टिवली हमें सुन रहे हैं और बाकी लोग हमें अभी शायद नहीं सुन रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं, कैसे हम डिजी लॉकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला हमारा हैंड्स ऑन है वो है लैपटॉप के माध्यम से। हम लैपटॉप या डेस्कटॉप पर अपना डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाएं? सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने वेबसाइट, जो अपना आपका जो वेब ब्राउजर है उस पर क्या टाइप करेंगे, digilocker.gov.in लिखा हुआ आ रहा है, ये टाइप करेंगे। जो है टाइप करेंगे, इस तरह का कुछ स्क्रीन आपके सामने होगा, जिसपे आपके सामने ये तो जो इमेज है जिसमें समथिंग चार लोग दिख रहे हैं, आई थिंक पति पत्नी और दो बच्चे कह सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई कैसे भी इमेजिनेशन कर सकता है। सो उसके जस्ट ऊपर साइन इन दिख रहा है और साइन अप दिख रहा है, ठीक है। सो अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं, आपने आज तक नहीं बनाया है, तो आप क्या करेंगे, तो आप साइन अप में क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से अकाउंट रखते हैं इसमें, तो आप साइन इन करेंगे, राइट। जिसका अकाउंट है उसको पता है साइन इन करना है। सो बेसिकली साइन इन करेंगे तो आपसे कहेगा अपना अकाउंट नंबर और उसका पिन कोड, जिसको हम पासवर्ड कहते हैं, वो बताइए। सो बेसिकली ये डिजिट में, 6 डिजिट फॉर्मेट में रखना है, और आप रख सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। तो साइन अप करेंगे तो कुछ इस तरह का अकाउंट का, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है, क्रिएटिंग अकाउंट इज फास्ट एंड इजी, ऐसा लिखा आएगा। सबसे पहले आपसे फुल नेम पूछेगा, वैसे जैसे आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपका यू नो जेंडर, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पूछेगा आप कौन सा जो है पिन कोड अपना रखना चाह रहे हैं, पासवर्ड रखना चाह रहे हैं। यू विल हैव टू सेट 6 डिजिट का, ओनली डिजिट्स, 1, 0 to 9 digits में से आपको मिक्स करके 6 रख दीजिए। फिर यहाँ पर आपका ईमेल आईडी पूछेगा, फिर यहाँ पर आपका आधार नंबर पूछेगा। ये सब मैंडेटरी फील्ड है, ये जरूर आपको सप्लाई करने हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने वेब ब्राउजर पर, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करें, digilocker.gov.in ओपन करना है। उसके बाद साइन अप में जाना है। इफ़ यू आर न्यू यूजर, अगर आप पहले से अकाउंट बना चुके हैं तो आपको साइन इन में जाना है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग पहले से अकाउंट बना चुके होते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपने अकाउंट बना लिया है, ये डॉक्यूमेंट, ये इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के बाद, आफ्टर सप्लाइंग सच डेटा इन रेस्पेक्टिव फील्ड्स, व्हाट हैव टू डू, हमने ऐसा कुछ हमारे सामने आएगा जहां पर हमें वो ओटीपी भेजेगा। ओटीपी भेजने, इस प्रोसेस को आप सबमिट जो है करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, और इवन आपके ईमेल पर भी ओटीपी आ सकता है। तो दो में से जिस भी माध्यम से आपके पास ओटीपी आएगा, बेसिकली मोबाइल फोन पे पहले आता है। सो आप उसको सप्लाई करने के बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे, दैट इज द होम स्क्रीन। ये होम स्क्रीन आपको दिखेगी। इस होम स्क्रीन में आप कुछ लेफ्ट साइड पे कुछ आपको मेन्यूज दिख रहे हैं, बटन दिख रहे हैं, दैट इज, वन इज होम, वन इज इशूड डॉक्यूमेंट, वन इज ब्राउज डॉक्यूमेंट्स, वन इज प्रोफाइल, वन इज ड्राइव, वन इज एक्टिविटीज अबाउट, तो इसके बारे में कुछ बताया, अनदर इज लॉग आउट। 5 या 6 ऑप्शन है, इनको हम एक एक करके चेक करते हैं। सो ये जो आपके सामने खुला हुआ है, ये कह रहा है कि आप अपने आधार कार्ड को, जो आपका आधार नंबर आपने डाला है, उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए।
आपको इसको वेरीफाई करने के लिए ये डिटेल बाय डिफॉल्ट लिखी हुई आएगी, ऊपर से आधार नंबर आपने प्रेस किया, नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ आ गया आपका, आपने जेंडर डाला और आपने कहा कि हाँ मैं डिजी लॉकर के साथ आधार कार्ड को साझा करना चाहता हूँ, सबमिट किया, ओटीपी शेयर करेगा। सो अगले चरण में आपने उस ओटीपी को फिल कर देना है जो आएगा। जब ये सब आप अपना आधार वेरीफाई कर लेंगे, अब हम वन बाय वन चेक कर सकते हैं। बाय द वे सपोज मुझे देखना है कि इसमें क्या क्या है, मैंने मैंने लाइव भी कहीं ओपन करा हुआ है, अगर ये अगर अभी अभी लाइव है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आई थिंक साइन मैं करके भी दिखा सकता हूँ आपको इसको लाइव, जस्ट मैं लॉग इन कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, अगर लॉग इन हो जाएगा सो मैं आपको तुरंत लाइव ही दिखाऊंगा इसको। चलो ठीक है, प्रिया जी ने कहा हम देख पा रहे हैं, अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, चेक, ये मेरा लॉगिन हो गया है, ठीक है। अब ये मेरा होम है, यहाँ पर लिखा रहा है वेलकम गोपाल दत्त, ये मेरा डिजी लॉकर अकाउंट है, आप इसको हैक वैक मत कीजिएगा, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे आप हैक कर देंगे तो मेरा क्या होगा, फिर इसमें सारे डॉक्यूमेंट आप चुरा लेंगे, ऐसा मत करना आप लोग। सो वैसे ट्राई कर सकते हैं, अगर क्या पता हो जाए, लेट्स सी, इनका सॉफ्टवेयर की भी टेस्टिंग हो जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा तो। आगे बढ़ते हैं, पहला अब मुझे मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। इश्यूड डॉक्यूमेंट में चलते हैं, सबसे पहले क्लिक, ये मेरा आधार कार्ड है फर्स्ट वन, ये कह रहा है फाइव, यू हैव फाइव इश्यूड डॉक्यूमेंट्स, सो ये है आधार कार्ड मेरा। सो अब मैं कहीं हूँ और मुझे आधार कार्ड चाहिए, अब मेरे पास आधार कार्ड है नहीं, मैं इसे दिखा सकता हूँ, ये आपके मोबाइल में भी चलेगा, मैं अभी मोबाइल में भी दिखाऊंगा आपको। सो ये मेरा आधार कार्ड है, आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, दूसरा दिस इज माई ड्राइविंग लाइसेंस, ये ओपन हो रहा है, ये क्या है, इशू डॉक्यूमेंट, देखिए लिखा हुआ आ रहा है। सो अब आप डॉक्यूमेंट अपना घर भूल गए और कहीं चले गए, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, दिखाओ कहाँ है ड्राइविंग लाइसेंस, अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपके पास डिजी लॉकर है, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, इसका साइज बड़ा करना है तो ये बड़े साइज में दिखा देगा, पढ़ लोगा, ठीक है, ये ज्यादा पन्ने होंगे तो सब दिखा दे, ये प्रिंट करना चाहते प्रिंट भी हो जाएगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब एक आध चीज और दिखाता हूँ, ये मेरा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं कुछ दिखा रहा है, ये भी कभी मैंने किया है, कल ही शायद मैंने किए हैं सब दिखाने के लिए कि कैसे करते हैं, मैंने भी आपके लिए ये स्लाइड प्रिपरेशन करने के दौरान इसको इस्तेमाल करना सीखा और बड़ा मजा आया, मैंने भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किया, पहले मैंने किया, मैं अब आपको करा रहा हूँ। सो ये देखिए आप डिजी लॉकर, तो मुझे आज समय लगेगा, मैं भी कोशिश करूंगा आपके साथ साथ, जितने मेरे पास फिजिकल डॉक्यूमेंट आई विल अपलोड हियर एट। सो आप भी आज ये काम करेंगे, जितने भी आपके ये क्या है, इशू डॉक्यूमेंट्स। अब बात आती है कि मैं यहाँ डॉक्यूमेंट कैसे लाया, दैट इज द क्वेश्चन, आप कैसे लाएंगे, तो उसका जवाब क्या है, सबसे पहले आप जाएंगे ब्राउज डॉक्यूमेंट में। सो नंबर ऑफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आइदर यू नो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके विभागों के जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपलोड हैं। अब बाय द वे मेरे पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट सी, मेरे को अभी याद नहीं है वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, अगर मैं चाहूँ वो यहाँ आ जाए। सो मेरे को मैं ढूंढता हूँ, ये नाम कुछ लिखा रहा है, अब ये कह रहा है बेनिफिशरी आईडी तो मेरे पास है नहीं, एक बार मेरे पास था, मैं चेक करता हूँ अगर मिल गया तो, लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। हाँ अगर मेरे को ये मिल जाता है सो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर जो है ये सब चीजें की जाती हैं, जस्ट अ मिनट मुझे दीजिएगा, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको बहुत जल्दी जो है उसको दिखाऊंगा कैसे डॉक्यूमेंट यहाँ पे विभागों से लिए जाते हैं। हाँ राइट, आई जस्ट अ मिनट, सो सर्टिफिकेट बेनिफिशियरी आईडी अगर मुझे मिल जाए, सो चेक करते हैं अगर डॉक्यूमेंट फेच होता नहीं है, ये मेरा नाम ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है उसमें, अब मेरे पास इसका अगर ओपन हो जाए एक पल के लिए, सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम कर सकता है। बेनिफिशियरी आईडी मिल गया मुझे, ये है 8680711234353530, चेक करते हैं, लेट्स सी, गेट द डॉक्यूमेंट, रिक्वेस्ट भेजा करके आ रहा है नीचे से, आप देख रहे हैं, सो चेक करते हैं आया क्या, ये देखिए। सो ये कितना आसान है यार, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मैंने अपलोड कर दिया अपना यहाँ पर आपके सामने सामने इन लाइव डेमो,
सो हाउ इजी, कहीं आपको एंट्री नहीं मिल पा रही है, ये देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ, कहीं आपको एंट्री नहीं मिल पा रही है। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ आपके सामने, लेट्स सी, ये डाउनलोड हो गया। करा कहाँ सेव करना है, मैंने कहा इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। मैं इसका हाँ डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। सो अब मुझे एंट्री नहीं मिल पा रही थी कहीं, और मैंने यहीं से अपने मोबाइल में खोला। मैं अभी आपको मोबाइल में भी इसका डेमो करके दिखाऊंगा। हाउ इजी इज दैट, ये देखिए यही तो स्किल एनहेंसमेंट है, यही तो हमें चाहिए, ये खुल के आ गया। सो अब मैं जहां पर मुझे नहीं मिल रही थी, कोविशील्ड लगा है, कब लगा है, क्या लगा है, सब कुछ है इसमें। सो ये चीजें कितनी हमारे लिए जरूरी हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये बताया कि हाउ वन कैन ब्राउज द डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ और फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज, आइदर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। जस्ट लुक एट दैट, ब्राउज डॉक्यूमेंट्स, आप देखेंगे पहली कैटेगरी है मोस्ट पॉपुलर डॉक्यूमेंट, जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करें। सेकंड कैटेगरी है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, जी जो विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर है, यहाँ दिखा रहा है कि 26 डिपार्टमेंट्स और एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपलोड मतलब अपने अपने अकाउंट के साथ अपने डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हैं। यू हैव टू ब्राउज जस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे कह रहा है कि यू नो स्टेट गवर्नमेंट्स में आपके पास 36 हैं। सो 36 से कौन कौन से होंगे, व्यू ऑल करते हैं, हम अपना भी यू नो स्टेट ढूंढते हैं इसमें से, हमारा स्टेट भी मिल गया। ये देखिए इसके चार विभाग हैं, उत्तराखंड के चार डिपार्टमेंट हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उत्तराखंड हाउसिंग एंड प्लानिंग समथिंग कुछ इसका नाम है, उत्तराखंड स्टेट बोर्ड मींस जो आपका रामनगर बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है मींस हाई स्कूल और इंटर अगर किसी ने यहाँ से किया है उत्तराखंड बोर्ड से, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ फाइंड आउट कर सकता है, उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। सो ये काम हमें इमीडिएटली कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा अगला जो इसका जो नेक्स्ट चरण है वो है कि मैं अपने प्रोफाइल में भी कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। लुक एट दैट, कुछ मेरे प्रोफाइल में मेरा नाम क्या क्या है, अगर आप ईमेल ऐड करना चाहते हैं, या आपका यूजर नेम है, आपका पासवर्ड है, कोई नॉमिनी डिटेल्स आप देना चाहते हैं, यू मे राइट। थर्ड वन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इन विभागों से नहीं मिले। सो इनमें कौन कौन से हैं, ब्राउज करके हमने देखे, मैं एक बार आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग को दिखा देता हूँ, 26 जहाँ पर लेके आते हैं। देखिए ये सब चीजें हैं, आपके गैस के कागज हैं, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, HP है ना, कुछ पेंशन के हैं, सेंट CBSE का मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग अपलोड ब्राउज कर सकते हैं, है ना। और आपको दिखाते हैं कोई NELET से आपने कोई सर्टिफिकेशन किया उसका कर सकते हैं, NIOS के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, है ना। ये रोड ट्रांसपोर्ट के, स्किल इंडिया के कुछ प्रोग्राम आपने कहीं से किए उसको आप यहाँ से उसके सर्टिफिकेशन अपने यहाँ पर करते हैं। NISBUD एक ऐसे और है, ये आधार का हमने आपको दिखा दिया है, है ना। सो ऐसे तमाम सारे और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हम ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। सो अब दूसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड ड्राइव। ड्राइव का मतलब यह है कि अगर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इन विभागों में ब्राउज डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में नहीं आ रहे, देन व्हाट कैन आई डू। कुछ और भी तो हो सकते हैं जो आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको जरूरत पड़ती है। सो दिस इज काइंड ऑफ यू नो डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट। DigiLocker इज डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट, योर पर्सनल आइडेंटिटी, आपका एक बटुआ है जिसपे आप पैसे रखते हैं इस कॉल्ड वॉलेट, आपका एक पर्स है जिसमें आप पैसा रखते हैं डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड डिजिटल वॉलेट, आपके पास एक सूटकेस है वॉलेट से बड़े साइज का है दैट इज सूटकेस, वहां पर आप अपना सारा सामान रखते हैं इस कॉल्ड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ यहाँ पर है। सो लेट्स चेक आपको क्या क्या ये कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, आप किस फोल्डर में क्या रखना चाह रहे हैं, कुछ इसने दो तीन बना के दे रखे हैं, मैं ट्राई करता हूँ इसी में रख लेते हैं। जस्ट लुक एट दैट, अपलोड फाइल्स, ठीक है, मैं अपना CV अपलोड करता हूँ, मैं मुझे लगता है CV बहुत बार जरूरत पड़ती है तमाम सारी जगहों पर, तो मैं अपना CV अपलोड करता हूँ। मेरे पास CV अगर कहीं है तो कहीं मिल जाए मेरा CV भी मिल गया राइट। और एक पास ये देखिए आगे, एक पासपोर्ट साइज फोटो बहुत बार मांगते हैं कई जगह पर, मैं रख लेता हूँ अगर मेरे पास कहीं है, मुझे भी दिख रही थी फोटो, आ जा भाई ये कितना आसान है। देखिए मैंने आपके सामने सामने दो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए,
आप कहीं पर भी अपना डिजी लॉकर ऑन कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। हाउ इजी, इनको कैटेगराइज करना है ये। हाँ, हम कल के लेक्चर में बात कर रहे थे कि फाइल नेम, देखिए मैंने भी कोशिश की है, व्हाट आई वाज शेयरिंग विथ यू, आई हैव ट्राइड गोपाल दत्त सीवी न्यू फोटो वर्कशॉप लोगो आई हैव ट्राइड, ये बाय नेचर हो जाता है। कल कल के लेक्चर के साथ मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग विद ई फाइल मैनेजमेंट, ई फाइल नेमिंग। अगर मेरे पास इसमें 20-50 डॉक्यूमेंट होंगे, सो आई इजीली कैन फाइंड आउट विच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट आई एम लुकिंग फॉर, राइट। सो अब तीसरा बात है एक्टिविटीज, आपने इसमें जो जो एक्टिविटीज की हैं वो रिकॉर्ड हैं, दैट इज कॉल्ड लॉग फाइल बेसिकली। सो अगर आपके बियॉन्ड इसमें कोई चेंजेस करता है तो ये एक्टिविटीज में नोट रहेगा। ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कह रहा है ना, यू पुल्ड योर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कब करा है ये, समथिंग समथिंग लिखा रहा है, कुछ देखिए तो कुछ दिख रहा है, डेट आपको दिख रहा है, ऐसे करके बता रहा है। सो आप ये भी चेक कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा जो हमने इसमें डिस्कशन किया, किसके बारे में, डिजी लॉकर का। सो जितने भी लोगों ने कहा था हमने नहीं बनाया है, सो माई रिक्वेस्ट टू यू कि आप जरूर अपना डिजी लॉकर अकाउंट बनाएं, आज ही बनाएं, और बनाने के बाद से सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर जो है अपलोड करें या ब्राउज करके ढूंढें जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, मैं भी ये काम करूंगा इस लेक्चर के समाप्त होने के तुरंत बाद से, आप भी करेंगे, मैंने बहुत कम डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज बताइए। हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, मैं इस स्क्रीन को मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, आई थिंक सो, इज देयर एनी क्वेरी। मैं आपको अनम्यूट करने की सुविधा दे रहा हूँ, अगर आपके पास अनम्यूट देमसेल्फ, यस, अगर किसी को कुछ पूछना हो रिगार्डिंग दिस सेशन, स्पेशली डिजी लॉकर, मैंने पहले सेशन मतलब यू नो पहला जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर तो एक ही है, उसके जो सब यूनिट्स हैं उसमें पूछा था, अगेन न्यू सब यूनिट जो हमने डिजी लॉकर का जो हैंड्स ऑन करके दिखाया, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस सो यू मे प्लीज आस्क, आप जरूर मुझसे पूछिए कि सर हाँ मैंने आपको सुविधा दे रखी है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ सवाल हो तो बता सकते हैं, कुछ अनुभव हो तो बता सकते हैं, कैसा लगा आपको डिजी लॉकर का हैंड्स ऑन, क्या आप डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स आज के बाद से खुद अपलोड कर पाएंगे, यस और नो, आई थिंक सो आंसर यस होना चाहिए। अगर नो है तो मुझे क्वेरीज बताइए क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या क्या यू नो हैजार्ड्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वी विल रिमूव देम हियर एट, बेसिकली वी आर अबाउट टू अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, स्किल एनहेंसमेंट, इस वर्कशॉप का नाम ही हम स्किल एनहेंसमेंट कर रहे हैं। सो इफ एवरीथिंग इज ओके, पार्थ जी कुछ क्वेरी है आपको सुनाई दे रहा है, आप मुझे चैट बॉक्स में, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं सेशन को यहाँ पर से लॉग आउट कर रहा हूँ, फिर से पीपीटी में वापस चलते हैं। ओके, आई थिंक सो ऑल इज वेल, थैंक यू। सो मैंने इसको लॉग आउट कर दिया है सेशन को, अब हम फिर से अपने पीपीटी पे वापस चलते हैं, इसको स्टॉप शेयरिंग करते हैं, फिर से अपना पीपीटी पे वापस चलते हैं, पीपीटी यह है। ओके, सो ये चीज़ें हमने आपको करके दिखाई सब वहाँ पर, बजाय पीपीटी पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छा था कि हमने आपको लाइव करके दिखाया। सो ये सब चीज़ें मैंने आपके लिए इकट्ठा करी थी कि अगर नेट नहीं चलेगा, बाय द वे, सो आई विल शो यू हाउ वन कैन अपलोड, हाउ वन कैन ब्राउज द डॉक्यूमेंट्स इन डिजी लॉकर। सो ये सब चीज़ें हैं, ये कैसे कैसे अपलोड करने की प्रोसेस होती है, अभी तो मैंने जो करे थे उनके स्नैपशॉट लिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें वो मांगता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस अगर डालना है तो उसका नंबर मांगेगा, अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए गाड़ी का तो वो मांगेगा, ये चेसिस नंबर भी एक मांगता है, वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे लिखा होता है। सो ये कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो हमने करके दिखाया, और ये चार विभाग मैंने आपको उत्तराखंड के दिखाए, और इस तरीके से एक्टिविटीज भी मैंने आपको दिखाई। सो आई थिंक दैट इज ओके, अब हम डिजी लॉकर का हैंड्स ऑन करेंगे जो आपके लिए बहुत प्रेफरेंशियल है, दैट इज यूजिंग मोबाइल ऐप। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, कहाँ पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर आपको डिजी लॉकर लिखना है। सो डिजी लॉकर में ये जो लिखा आ रहा है नेशनल ई गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, इसको आपको क्या करना है, आपको बड़ा साइज है ना एक्सेल, इसको आपको डाउनलोड करना है, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद से
कुछ इस तरीके का स्क्रीन लिखा हुआ आपके सामने आएगा, लुक एट दैट। ये मैंने मोबाइल में जब इसको डाउनलोड किया उसका स्क्रीन लिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू क्लिक ऑन, ये बता रहा है मेरे पास क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सब कुछ। गेट स्टार्टेड, जब आप गेट स्टार्टेड करेंगे तो आपसे कहेगा भैया या तो आप अकाउंट क्रिएट कीजिए या साइन इन कीजिए। सो मैं तो अकाउंट बना चुका हूँ तो मैं क्या करूंगा, साइन इन की क्रिएट अकाउंट, आई विल डू साइन इन। आपका अकाउंट एक ही बनेगा चाहे मोबाइल से ऑपरेट करें चाहे आप लैपटॉप या किसी डिवाइस या कंप्यूटर या डेस्कटॉप से ऑपरेट करें, यू विल हैव ओनली वन सिंगल अकाउंट, राइट। सो मैंने साइन इन करा, साइन इन करने के लिए वही पूछेगा मुझसे, ये तो मैंने साइन इन मैं दिखा रहा कि यूजर नेम के मोबाइल से कैसे डालना है। यूजर नेम भी बना सकते हैं, इसमें दो ऑप्शन है, आइदर मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लॉग इन करें या फिर आपको यूजर नेम सेट करना है अपना। वट एवर यूजर नेम इज नेम यू कैन क्रिएट बाई योर ओन। आधार नंबर तो आधार नंबर ही है, मोबाइल नंबर आपको याद रखना है। देन यू विल हैव टू एंटर योर पिन इज कॉल्ड पासवर्ड, जो किसका होगा 6 डिजिट का ही होगा, उसको आप प्लेस करेंगे। अगर बाय द वे कभी आप भूल जाते हैं आपका पिन या आपका पासवर्ड तो आप फॉरगेट पासवर्ड या फॉरगेट सिक्योरिटी पिन से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास मोबाइल में ओटीपी आएगा और आपका अगर ईमेल वेरीफाई है तो ईमेल में भी एक लिंक जाएगा जहां से आप उसको क्या कर सकते हैं, फॉरगेट में क्लिक करने के बाद उस लिंक को, उसमें जो ओटीपी आएगा उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से क्या होने वाला है, इसके बाद से आपका जो है ये लॉग इन हो गया है। लॉग इन होने के बाद आपके नाम के साथ दिखाएगा वेलकम, कुछ दिखा हुआ आ रहा है तो ऐसे ही आपके भी दिखाएगा। अब बारी आती है कि ये जो तीन यहाँ पर लाइंस लिखी हुई हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो सेम है जो मेन्यूज है जिसको हम कहते हैं, अभी मैंने कहीं पर उस पर क्लिक करके दिखाया है, जो जो इसे फैसिलिटीज है जैसे आता है इशू इशू डॉक्यूमेंट्स, ब्राउज डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल, समथिंग लाइक दैट। ऑल द यू नो मेन्यूज आर हिडन इनसाइड दीज टैब्स, ये टैब है बेसिकली, टैब में स्टोर है। सो आपको कौन से विभाग से कोई डॉक्यूमेंट स्टोर करना है, सेम एज लिखा हुआ आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के 24 है, ऐसे ही नीचे को स्क्रॉल करेंगे औरों के भी आएंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद से मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा मैं ब्राउज करता हूँ, ये देखिए LIC के मेरे पास एक दो पॉलिसी है, सो मैं चाह रहा हूँ कि उसका बॉन्ड भी यहाँ मैं स्टोर कर लूँ LIC का। सो आप क्लिक करेंगे वही आपके उसका LIC का जो नंबर है वो प्लेस करेंगे, सो उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ स्टोर कर। ऐसे आपके पास कोई पोस्ट ऑफिस का PLI है, इंश्योरेंस है, उसका भी कर सकते हैं। तमाम सारी चीजें ये मोबाइल ऐप पर बात हो रही है, आप मोबाइल ऐप पर इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, ये आपका जो है क्या कह रहा है, एक एक वर्ड लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब आप सब जानते हैं। मैंने ये शेयर स्क्रीन शॉर्ट शॉर्ट इसलिए लिया स्क्रीन का ताकि आपको ये पता लगे कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इनकी वैल्यू एग्जैक्ट बिल्कुल फिजिकल डॉक्यूमेंट के इक्विवेलेंट है। डिजी लॉकर इश्यूड डॉक्यूमेंट्स आर एट पार विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर IT एक्ट, राइट। सो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इशू हुए हैं दे आर एज सेम एज द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको हम वहाँ पर दिखा रहे थे यहाँ इस फॉर्म में दिखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा रहा है, LPG सब्सक्रिप्शन वाउचर दिखा रहा है, ये जो मुझे लगता है कि उसका गैस का जो पैसा वापस आता है आई थिंक उसका कुछ है, और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल दिखा रहा है, ये हम हमने करके दिखाए थे। सो ये जो मैं मेन्यूज की बात कर रहा हूँ, दीज आर द मेन्यूज। सो वही चीज़ें हैं जो लगभग वहाँ पर हैं। यहाँ पे स्कैन कोड एक अलग से है, किसी का कोड स्कैन करके भी हम QR कोड स्कैन करके भी उस डॉक्यूमेंट को यहाँ जो है वो फाइंड आउट करके ले आएगा। सो कुछ सेटिंग्स में कुछ चीज़ें हैं वही जो उधर दिखा रहे हैं, आपका प्रोफाइल में सेटिंग्स में क्या हो सकता है, इसमें तो हमने खोला नहीं, प्रोफाइल का तो अलग है, प्रोफाइल हमने दिखाया था। तो इसमें सेटिंग जो है एक नया मेन्यू है, आई डिडन क्लिक ओवर इट, आप चेक करके देखिएगा क्या क्या लिखा है इसमें करके। हेल्प तो कैसे इसको यूज करेंगे, अबाउट हुई है, एज सीम लॉग आउट। सो ये मोबाइल ऐप आपका डिजी लॉकर मोबाइल में भी हमने आपको करके दिखाया। सो आई होप सो मुझे ऐसा लगता है कि नाउ यू बी एबल टू यूज डिजी लॉकर फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स। ऐसा मुझे लगता है कि डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको इस्तेमाल कर पाएंगे फॉर योर फ्यूचर पर्पस। सो ये जो सब कुछ मैंने आपको डिजी लॉकर के बारे में दिखाया, इसका थैंक्स जाता है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उनके साभार
उनको साभार की उनकी वजह से ये सब चीजें मैं आपको शो कर पाया। और एक अंतिम चरण में एक स्क्रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें वो डिजी लॉकर का स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि क्या क्या यू नो डिजी लॉकर में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने लोग कनेक्टेड हैं। सो ये एक डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं हाउ मैनी डॉक्यूमेंट्स पीपल इश्यूअर एजेंसीज आर अवेलेबल। सो यूजर्स में दिखा रहा है 85.64 मिलियन यूजर्स कनेक्टेड हैं और इशूड डॉक्यूमेंट्स में 4.52 बिलियन इश्यूअर हैं 1433 और रिक्वेस्टर्स हैं 213। सो ईयर वाइज यूजर रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है 2016 से अभी तक का जो है वो 2021 को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो वहाँ पर तकरीबन रजिस्टर्ड यूजर दिखा रहा है करोड़ में मेरे ख्याल से होंगे, यस करोड़ में है 8.56। तो 8.56 में अगर आप भी आज जुड़ जाएंगे तो इसमें 1 और ऐड कर लीजिएगा आप। और 38 लोग हमारे साथ मीटिंग में बने हुए हैं, आई थिंक सो 39 हैं, तो मैं जुड़ गया हूँ इसमें एक। कल 30 इसमें आप 8.56 में आप 30 डॉट जोड़ लीजिएगा और अनिल जी को इसमें से माइनस कर सकते हैं, उन्होंने बना लिया और भी सज्जन है जिन्होंने बना लिया। लेट्स मूव। सो ये एक डिस्कशन था जिस पर हमारा आज का पूरा जो एजेंडा था वो। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। अगर समय इजाज़त दे और हमारे जो हैं इसके चेयरमैन हमें इजाज़त दें तो हमारे पास कुछ और डिस्कशन है। और सबसे महत्वपूर्ण इजाज़त तो हमारे पार्टिसिपेंट्स से चाहिए। और चूंकि 15 मिनट बचे, 12:30 बजे में ख़त्म करना है, 15 मिनट में मुझे लगता नहीं कि हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हैं जिन पर मुझे आपसे डिस्कशन करना था। दे स्पेशली वॉज अबाउट यू नो गूगल, क्या है ये, गूगल शीट, गूगल डॉक्स, ड्राइव और डिस्कशन फोरम। ब्लॉग पर हम बातचीत कर चुके हैं। सो किसी नेक्स्ट सेशन पर स्पेशली हम इन सब चीज़ों का आपको एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे सेशन को यहाँ पर समाप्त करना चाहिए और कुछ क्वेरीज हैं तो आपके लिए सेशन ओपन है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको अभी आपके ग्रुप के माध्यम से आपके साथ साझा कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप सब लोगों को धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को सुना और आप लगातार जुड़े रहे। नमस्कार, सो थैंक यू वेरी मच।